आप सभी को नमस्कार। आज आपको मैं जो है आपने अभ्यास प्रश्न प्रथम पढ़ा, द्वितीय पढ़ा। पहले में आपने जो है प्रश्नों को पढ़ा, दूसरे में जो है आपने क्या होता है जब, और तीसरे में जो है हम फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे कि कोई समीकरण इनकम्प्लीट रहती उसको कम्प्लीट कैसे करेंगे। तो इससे पहले जो है आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो है आल बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और उसका आपको लाभ भी मिलता रहे। तो आइए हम इस पे देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है और कैसे उसका उत्तर देना होता है। तो जैसे क्या होता, जब मैं आपने देखा था तो हिंदी में लिखा रहता था और उसे आप अक्सर अभिकारक दिया रहता, तो अभिकारक से आप उत्पाद बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक रिएक्शन दिया रहेगा, क्लू दिया रहेगा, उस क्लू के हिसाब से आपको जो है अभिकारक और उत्पाद दोनों को समझकर जो है उत्तर को देना रहता है। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर है, ये सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, ये डैश डैश रिक्त स्थान है, फिर आपकी तीर लगी है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, प्लस फिर डैश 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 है रिक्त स्थान, फिर CO2। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, जिसे एक चीज़ इसमें समझिए, अगर यहाँ पर प्लस एक प्लस दिया है और एक रिक्त स्थान है तो यहाँ पर कोई एक यौगिक है, अगर यहीं पर प्लस देकर एक और रिक्त स्थान होता तो वहाँ पर दो यौगिक होते। देखिए यहाँ पर दो अभिकारक हैं और तीन उत्पाद बन रहा है, दो उत्पाद दिया हुआ है और एक उत्पाद जो है आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो जो वहाँ पर क्लोराइड है, देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाई, ये कार्बोनेट है, थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं, Na प्लस में और प्लस CO2, ये कार्बोनेट थोड़ा सा तोड़, हम डायरेक्ट फिल कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फिल कर देंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको समझना है। देखिए ये सोडियम और कार्बोनेट में टूटता है, तो ये जब कार्बोनेट में टूटता है तो ये CO2 में टूटता है और प्लस O डबल माइनस में टूटता है, ध्यान दीजिए, ये CO2 और O डबल माइनस। अब इसको डबल हाइड्रोजन भी चाहिए, क्या चाहिए, डबल हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ हम आप ये जानते रहें कि कार्बोनेट जो है CO2 में अक्सर निकलता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिख भी रहा, तो यहाँ O डबल माइनस है, ठीक। और उसके बाद देखिए, इसको अगर संतुष्ट करना है तो सोडियम के साथ तो क्लोराइड जुड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई क्लोराइड हो और अक्सर जो है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होता है, तो इस तरह यहाँ पर आप हाइड्रोक्लोराइड लिखते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोराइड जो है सोडियम के साथ चला जाएगा क्लोराइड, और जो H रहेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये यहाँ आपका H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका H2O हो गया, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ H2O हो गया और यहाँ HCl हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, दो क्लोराइड है, दो NaCl के आगे दो लगा है और H2O में दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम ऐसे दो कर देंगे। तो इन चीज़ों को देखिए, शुरू में ये चीज़ें कठिन लग सकती हैं, शुरू में चीज़ें कठिन लग सकती हैं, लेकिन इसको तोड़कर जब आप एक बार सीख लेंगे ना, मैं आपको इसको तुरंत बता सकता था फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। लेकिन आपको चीज़ें देर में आए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि अन्य कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ इसे डिसोसिएट करना आना चाहिए, ऐड करना आना चाहिए, जिससे फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ये फिर वही बेसिक्स हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस कैसे आया है, ये कैसे टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक्स में मैंने बताए हैं प्लेलिस्ट में, एटम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में, तो यहाँ पर भी एक बार बता दिया है। तो ये आपका पहला उदाहरण था, आप कैल्शियम ऑक्साइड आपका दिया गया है, क्या दिया गया है,
कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, यहाँ पर आपका कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड आपका बन रहा है। जब आपका कैल्शियम क्लोराइड आपका यहाँ पर बन रहा है और H2O निकल रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन अर्थात यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कोई ऐसा यौगिक होना चाहिए जिसमें क्लोरीन हो, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल रहा है, वहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ को क्लोरीन के साथ अगर ये H लगा दिया जाए तो ये मैच कर रहा है। अब बैलेंस करने के लिए दो क्लोराइड चाहिए, दो हाइड्रोजन, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। होता बहुत सिंपल है, अब इसको तोड़ना चाहे कैल्शियम को Ca डबल प्लस में, O को डबल माइनस में, H को प्लस में, क्लोराइड को माइनस में। देखिए प्लस और माइनस के साथ दोस्ती कर लेगा, माइनस जो है प्लस के साथ दोस्ती कर लेगा, ये दोनों जाके जुड़ेंगे। जैसे ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, कभी टूटेगा तो Ca प्लस और 2Cl2 माइनस में टूटेगा, ये टूटने का नियम है। देखिए परीक्षाओं में आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपको लिखना केवल यही लिखना है, लेकिन ये तभी आप लिख पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, वरना लिखना कठिन हो जाता है। तो ये चीज़ आप रटिए ना, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब क्लियरिटी आने लगेगी तो बहुत क्लियर हो जाएगा, तभी आप जो है भविष्य में अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे आपका नीट हुआ या बीटेक का हुआ जो भी। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी ध्यान दीजिए कैसे कैल्शियम डबल प्लस में क्यों टूटा। इसको करते समय ये भी ध्यान रखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है, इसके बाहरी कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा इसलिए इस पर डबल प्लस आएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 जो है 26 होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा इसलिए इसका जो है आपका जो है 28 होगा, इसलिए इस पर माइनस है। तो ये सब अब जैसे HCl को मैंने बताया H प्लस होता है, क्लोराइड माइनस होता है, क्लोराइड का 287 होता है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। हाइड्रोजन के बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, ये डोनेट करके H प्लस के रूप में हो जाता है। तो ये जो है इसको जानेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में तो केवल HCl है, लेकिन इसको लिखने के लिए इतने दिमाग में कॉन्सेप्ट चलने चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम जब जो घर बना रहता है खूब अच्छा से पेंट पुट्टी रहती है, लेकिन उस घर को बनने में ईंट मसाला सीमेंट मोरंग गिट्टी रेता सीक बहुत सारी चीज़ें लगती, लेकिन बाद में वो दिखता नहीं है, केवल आपको सफ़ेदी दिखती है, पेंटिंग दिखती है। ठीक उसी तरह एक रिएक्शन के बनने में अंदर बहुत सारे ईंटा मोरंग गिट्टी इस तरह के आयन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है इसमें दिखता नहीं है, ना ये परीक्षा में लिखना होता ना पूछा जाता, आपसे सीधा पूछा जाता है, सीधा लिखना है, लेकिन इसके लिए इतना प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आसानी से आप रिएक्शंस को याद कर पाएंगे। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर BaCl2। सबसे पहले कोशिश करिए इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड। अगर इसे आप कॉपी में लिखेंगे ठीक है तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री जो है वो लिखने का विज्ञान है, जितना ज़्यादा रिएक्शन आप लिखेंगे उतना बढ़िया याद होगा, और अगर मुझबानी जितना जल्दी याद हो जाता है ना उतना जल्दी भूल भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे बेरियम क्लोराइड है और ये आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, ये आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट, और ये आपका बन रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहीं पर हमें जो है उसको, अब इसमें क्या, देखिए बेरियम है, बेरियम है,
क्लोरीन है वो सोडियम के साथ उधर Cl लगा हुआ है, तो बच क्या रहा है, SO4 बच रहा है और सोडियम बच रहा है। ठीक है, तो SO4 और सोडियम के साथ जो बनेगा Na2SO4 बनेगा, Na2SO4। ठीक, अब ये जो Na2SO4 हुआ ये कैसे, देखिए यहाँ मैंने 2 क्यों लगा दिया, सोडियम के साथ मैंने 2 क्यों लगा दिया, इसके लिए आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। सोडियम पे भैया एक प्लस होता है और सल्फेट पर दो माइनस होता है, तो दो माइनस को एक प्लस, एक प्लस एक माइनस के लिए संतुष्ट करेगा, तो इसी के साथ एक और सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी जो दूसरे माइनस को संतुष्ट करेंगे, इसीलिए दो सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो Na2SO4, Na2SO4, उसके बाद उधर के 2NaCl, तो ये जो है आपके रिक्त स्थान में भरा जाएगा, आपको परीक्षा में यही लिखना है। लेकिन अगर आपने कहीं परीक्षा में लिख दिया NaSO4 तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, आप एक होता है लेकिन यहाँ पर आपका माइनस होगा, एक माइनस बचा रहेगा, ये आपके आयन है, उससे हमें इतनी डीप में नहीं जाना है, ये गलत हो जाएगा अगर आप फिलिंदिंग्स में भरेंगे। तो हमें क्या है, अब जैसे ये भी तोड़ना आना चाहिए, बेरियम पर डबल प्लस होता है और इसलिए क्लोराइड दो लगे हुए हैं, बेरियम पर डबल प्लस होता है और इसलिए सल्फेट पर जो है आपका डबल माइनस होता है, इसलिए देखिए बेरियम एक लिया गया है, सल्फेट जो है आपके आपका एक लिया गया है, तो इस तरह ये रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। इस तरह आप जो भी रिएक्शन याद करते हैं उनके डीप में अगर थोड़ा सा जाना, आयन में तोड़ना, उसके परमाणु क्रमांक पर आयन तोड़ेंगे तो जो चार्ज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर वो चार्ज आना आ रहा है तो जब चार्ज आना सीख लेंगे आप बनाना तो उसे जोड़ना भी आसान हो जाएगा। तो बैलेंस करना हो, चाहे इक्वेशन लिखना हो, चाहे क्या होता है जब, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। आगे देखिए अगला उदाहरण, यहाँ पर MnO2 है प्लस HCl है, तीर लगा हुआ है MnCl2 है, प्लस रिक्त स्थान है प्लस H2O है, यहाँ पर दो आपके जो है रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं और तीन प्रोडक्ट हैं, दो दिए हैं तीसरा बनाना है। देखिए यहाँ पर एक Mn है, यहाँ पर एक Mn है, ठीक। अब Mn की थोड़ी सी हम अगर बैलेंसी चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर इसकी जो है बैलेंसी प्लस चार है, अभी एक चीज़ ऑक्सीकरण संख्या बाद में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर इसकी प्लस दो है, ये कैसे हुआ, देखिए एक ऑक्सीजन पर भैया क्या होता है दो माइनस, तो दो ऑक्सीजन पर चार माइनस, तो इस चार को संतुष्ट करने के लिए Mn पर चार प्लस होता है, Mn पर कितने प्लस होते हैं चार, ये जानते रहिए, यही तो राज है, एक ऑक्सीजन पर दो माइनस, दो ऑक्सीजन पे चार माइनस, तो इस पे कितना होगा चार प्लस। उसके बाद इस Mn पर देखिए एक क्लोरीन पर एक माइनस, दूसरी क्लोरीन पे दो माइनस, तो इस Mn पर कितना हो गया दो प्लस चार्ज। ठीक है, इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, आगे इसकी क्लासों में डिटेल, बहरहाल आप इतना जानिए प्लस माइनस के रूप में आपने MnO2 और MnCl2 देख लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो ऑक्सीजन है, क्या है दो ऑक्सीजन है, तो H2O में एक ऑक्सीजन है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए, क्या किया हमने ऑक्सीजन को बैलेंस, जैसे हमने ऑक्सीजन को देखिए Mn बैलेंस है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो देखिए वहाँ पर चार हाइड्रोजन हो गए, चार हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ चार Cl लगा दिए, यहाँ पर चार लिख दिए, चार हाइड्रोजन हो गया, अब हमें यहाँ से चार क्लोरीन भी मिल रहा है, कितने क्लोरीन मिल रहे हैं चार क्लोरीन, और दो क्लोरीन यहाँ यूज हो रहे हैं, तो दो क्लोराइड आयन बच रहे हैं, ये दो क्लोरीन जो होती आपस में मिलकर Cl2 बना देंगी, तो आपके रिक्त स्थान पर Cl2 गैस निकल जाएगी, आपके रिक्त स्थान पर Cl2 गैस निकल जाएगी। ये सब थोड़े से डिटेल होते हैं, एकदम
धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ता है कठिनाई का, तो ये जो है आप जो है इसमें Cl2 रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अगर इस तरह की प्रैक्टिस आप किताबों से करेंगे तो आपको धीरे धीरे आसानी होगी और आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ये कुछ उदाहरण बताए। तो इसकी प्रैक्टिस जैसे गणित की प्रैक्टिस की जाती है, डेरिवेशन की प्रैक्टिस की जाती है, बायोलॉजी में फिगर्स की प्रैक्टिस की जाती है, उसी तरह केमिस्ट्री में जो है आपका ये इसके रिएक्शंस की प्रैक्टिस की जाती है कि बढ़िया से बढ़िया रिएक्शन जो है बहुत अच्छी तरह हमें आने लगे, इसलिए बार बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करें। तो आप वीडियो को जो है शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो है मित्रों से भी बताइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी को धन्यवाद।